वाटर का में, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टेप्स है, उस चीज की कमी है। जब किसी चीज की कमी होती है तब हमें प्रॉब्लम आती है चूज करने में। अगर हमारे पास अनलिमिटेड हो तो फिर हम सारी नीड्स को फुलफिल कर देंगे, फिर प्रॉब्लम ही कहाँ है। एंड थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड कॉज इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो भी रिसोर्सेज हैं उसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन से यूज पे हम अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करें। तो अगर ऑल्टरनेटिव बहुत सारे ना हो, एक ही ऑप्शन हो आपके पास, तो आप सिंपल उसी ऑप्शन को चूज कर लोगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ही नहीं होगी। तो बेसिकली दीज थ्री पॉइंट्स आर द मेन कॉजेज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? अनलिमिटेड वॉन्ट्स, सेकेंड पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड थर्ड पॉइंट ऑल्टरनेट यूजेस। ये तीन पॉइंट है जिसकी वजह से मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। व्हिच इज द चैप्टर इज दिस? सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा। फर्स्ट चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था रिवीजन में, आज मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ओके मैम। यस, सो नाउ कम्स टू द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? देखो, सेंट्रल का मतलब होता है जो सबके साथ चल रही है। वैसे अभी मैंने बताया कि 100 रुपीज आपके पास है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास 100 रुपए और आपको सोचना है इसको कहाँ खर्च करना है। लेकिन अब जो मैं यहाँ बात करूंगी वो पूरी इकोनॉमी की बात करूंगी कि पूरी इकोनॉमी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। तो जो प्रॉब्लम्स, एक हम यहाँ पर एक बिजनेसमैन के, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में हम आपको प्रिपेयर करते हैं दैट यू विल बी वेरी सून यू विल बी द बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर। तो उसके लिए आपके सामने क्या तीन प्रॉब्लम्स आएंगी इकोनॉमी को लेकर? सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम फॉर हूम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या बताई थी आपकी, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि एक्चुअली प्रोड्यूस क्या किया जाए। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस क्या किया जाएगा, मतलब यहाँ पर ये है कि हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल पाए। आप जैसे कि देखिए, इसमें अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या हम देखते हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स। यू कैन राइट समवेयर या फिर आप बुक में अंडरलाइन कर दीजिए। जब हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें ये देखना है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, मतलब सीधे कंज्यूमर उसको परचेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पेन परचेस कर लेकर आ रहे हैं, तो पेन डायरेक्टली कंज्यूमर यूज, मतलब आप पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पेन डायरेक्टली कंज्यूमर अपने यूज के लिए लेगा। लेकिन अगर आप कोई मशीन परचेस कर रहे हैं जो पेन बनाती है, तो कोई कंज्यूमर मशीन तो नहीं ले जाएगा अपने घर में पेन बनाने की, वो पेन परचेस कर सकता है, पर मशीनरी कौन परचेस करेगा? ये वो एंटरप्रेन्योर, वो बिजनेस परचेस करेगा जिसको आगे पेन बनाने होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास एज अ प्रोड्यूसर दो ऑप्शन हुए कि क्या मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो सीधे मैं कंज्यूमर को बेच दूं, या मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जाइए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कार जो लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है कि या तो मैं सीधे कार बना के कंज्यूमर को बेच दूं, कार अगर मैं बना रही हूं तो कार इज अ कंज्यूमर गुड, वेयर एज अगर मैं कार के टायर्स बना रही हूं तो टायर्स मेरे डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं परचेस करेगा, टायर वो कंपनी परचेस करेगी जो कार बनाती है, और फिर वो अपनी कार के अंदर मेरे टायर्स को यूज करके आगे कंज्यूमर को देगी। तो इस तरीके से मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि मैं कंज्यूमर गुड बनाऊं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर परचेस करके ले जाए, या फिर मैं कैपिटल गुड बनाऊं जो कि आगे कोई और परचेस करे। अब क्या होता है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। अगर मैं कंज्यूमर गुड बनाती हूँ तो कंज्यूमर गुड बनाने के बाद क्या होगा, मुझे क्वांटिटी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, मतलब मुझे पैसा तो अच्छा मिलेगा क्योंकि जब मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचूंगी तो उससे मुझे सीधे रिटेल प्राइस पे मिलेगा, सीधे मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे मैं प्रोडक्ट बेच सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी कैपिटल गुड्स वाले को बेचती हूँ, मतलब किसी कंपनी को बेचती हूँ प्रोडक्ट, वहां पर वो मुझसे ज्यादा तो लेंगे लेकिन उस रेट में नहीं लेंगे। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं।
तो ये प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में हर प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, वो सीधे कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे या फिर वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे, मतलब किसी कंपनी के लिए प्रोड्यूस करे, राइट। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको बताया व्हाट टू प्रोड्यूस, और व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शन होते हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। अब जो दूसरा ऑप्शन आया वो आया हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट वी शुड प्रोड्यूस, सॉरी हाउ वी कैन प्रोड्यूस दैट। वो व्हाट में तो हमने पढ़ लिया कि क्या बनाए कंज्यूमर के लिए या कैपिटल इंडस्ट्रीज के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस में अब हम ये पढ़ेंगे कि अब इसको बनाए कैसे। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो टेक्निक होती हैं। एक टेक्निक होती है जो मशीनरीज के थ्रू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब आप सिंपल आपने बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज करी और उन मशीन का यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट को बना दिया। एक ऑप्शन होता है कि आप मशीन्स मत लीजिए, आप लेबर का यूज कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंडिविजुअल नहीं कर सकते, हर काम को हैंडमेड भी किया जा सकता है, मशीनरीज के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोड्यूसर के माइंड में पॉइंट होता है कि वो इसको सीधे मशीन्स से बनाए या फिर उसको कंज्यूमर से, उसको लेबर से बनवाए। तो इस तरीके से हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक हमारे सामने आएंगी। पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो गया कि जब हम लेबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं और मशीन का बहुत कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसके अंदर हम मशीन को ज्यादा यूज करते हैं और लेबर को बिल्कुल नॉमिनल यूज करते हैं। मतलब हम हमारा ये मोटिव होता है कि एक बड़ी सी मशीन ले आओ, उससे प्रोडक्शन करो और लेबर को मत रखो। और दूसरा मेथड कहता है कि लेबर को रखो और मशीनरी मत लाओ, दोनों के अपने एडवांटेज है इकोनॉमी में। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या आप लेबर रखोगे तो लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो लोग भी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे, उनकी भी अर्निंग्स चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ये कहती है कि अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर आप यूज करते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो मशीन से काम करा रहे हो, लेकिन आपको वहां बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इकट्ठा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सस्ते में बना सकते हो। अब यहाँ पर एक प्रोड्यूसर के माइंडसेट में ये प्रॉब्लम आ गई कि वो करे क्या, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करे। तो इस तरीके से हाउ टू प्रोड्यूस में ये दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमें फेस करनी पड़ती है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ट्रेडिशनल टेक्निक है क्योंकि पहले भी सब लोग लेबर से ही काम कराया करते थे, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है ये मॉडर्न टेक्निक है। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया जैसी कंट्री के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा अच्छी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। उसका रीजन क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अगर जो कंपनीज है वो भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर लेंगी तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर को तो प्रॉफिट हो सकता है लेकिन पूरी कंट्री को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक अच्छी होती है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं यूएसए यूके टाइप, उन लोगों के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अच्छी होती है क्योंकि उनके पास इतनी वर्कर्स नहीं है जिनसे वो काम करा सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी इकोनॉमी को देखते हुए ही डिसीजन को लेना होता है। तो इस तरीके से हमने व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा कि कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। इसी तरीके से हमने हाउ टू प्रोड्यूस में पढ़ा कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब किसके लिए प्रोड्यूस करने के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। That two options are whether to produce for the rich section of the society or to produce for the poor section of the society. यहाँ हम ये सोचते हैं कि हम किसके लिए product बनाएं, richer section के लिए बनाएं या poor section के लिए बनाएं। Rich section के लिए बनाएंगे तो amount अच्छा मिलेगा क्योंकि आप किसी rich को product बेचोगे, product sale करोगे तो वो आपको उसके लिए ज्यादा amount देकर जाएगा, लेकिन क्वांटिटी कमी रहेगी क्योंकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में उतने सारे रिच सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं लोग, पॉपुलेशन
उतनी रिचर नहीं है, तो वहां पर आपको प्राइस तो अच्छा मिलेगा लेकिन आप क्वांटिटी ज्यादा नहीं बेच पाओगे। लेकिन अगर आप पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट बनाते हो तो वहां पर आपको उसका प्राइस तो कम मिलेगा लेकिन क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा चाहिए। अब इसमें हम दो ब्रांड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एप्पल आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं और एक वीवो का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एप्पल आईफोन ने रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया हुआ है, तो आपको पता होगा एप्पल की सेल इतनी हाई नहीं है, लेकिन एप्पल की सेल हाई नहीं है पर एप्पल अपने प्राइस इतने लेता है कि वो क्या करते हैं उससे उनको पूरी रिकवरी हो जाती है। कम बेच रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा बेच रहे हैं, बहुत हाई क्रीमी लेयर को सेल कर रहे हैं। वेयर एज वीवो ओप्पो और इस तरीके के जो भी मोबाइल्स जाएंगे दैट इज मतलब उसका क्या है कि वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बिकते हैं लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा प्राइस नहीं डिमांड करते हैं कंज्यूमर से। अब यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर आपको सोचना पड़ेगा दैट फॉर होम यू वॉन्ट टू सेल योर प्रोडक्ट, मतलब फॉर होम यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सबसे पहले रिचर सेक्शन के लिए बना रहे हैं या फिर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। एक बार यहाँ तक जल्दी से ओवरव्यू देख लीजिए, कोई दिक्कत हो यस एनी डाउट? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरकरेंट? वेयर इट इज गिवन बेटा, इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग? मैम इट इज रिटन इन द बुक दैट स्कार्सिटी इज द अंडरकरेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर बेटा, पेज नंबर और टेल मी द पैराग्राफ। मैम इट वाज रिटन इन द स्टैटिस्टिक बुक, देयर वाज अ क्वेश्चन। ओके यस मैम, टेल मी द वर्ड अगेन, व्हाट scarcity is the undercurrent of economic problem. अच्छा, is the undercurrent of the economic problem. Basically scarcity undercurrent का मतलब हो गया this is the problem which is prevailing always. ये ऐसी problem है जो हमेशा हमारे साथ चलती रहेगी scarcity, क्योंकि देखो हम अपनी wants को कम कर सकते हैं लेकिन जो चीजों की कमी है उनको पूरा नहीं कर सकते क्योंकि resources बहुत सारी होती है, कुछ resources man-made resources है, कुछ resources natural resources है। चलिए हम बात करते हैं अगर पैसे की, ऐसा आप चाहे कितना भी अर्न कर लें बट नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो तो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, तो दिस इज द अंडरकरेंट सिचुएशन, इट इज ऑलवेज प्रिवेलिंग। गॉट इट? ओके मैम, थैंक यू मैम। आई गेस यू आर आल्सो आस्किंग समथिंग। माधव गुप्ता आपने हैंड रेज किया था बच्चे। व्हाट? हम गलती से हो गया था एंड्रेस। ओके ओके नो प्रॉब्लम। एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको पूछना हो? यस आर्यन। मैम जो हॉट्स में क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैम, वो वाला हॉट्स में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपेंस इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेट यूजर्स, दिस क्वेश्चन? यस मैम। ओके देखो, अगर हमारे पास किसी भी मतलब चॉइस के लिए अल्टरनेटिव नहीं होगा, जैसे कि सपोज आप एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज करते टाइम आपके पास अल्टरनेटिव होते हैं तभी तो चूज करना पड़ता है, समझ लो। अगर आपके पास अल्टरनेटिव ही ना हो, सिंपल एक ही आंसर गिवन होगा तो इज देयर एनी चॉइस? वहां पर तो कोई चॉइस ही नहीं रह जाएगी, जब एक ही आंसर है तो एक ही सोल्यूशन है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है जब हमारे पास रिसोर्सेस कम है और हमें पता है कि इस रिसोर्सेस का एक ही यूज है, मतलब अगर आप पैसे को केवल पढ़ाई पर ही लगा सकते तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं इसको फ्रेंड के साथ यूज करूं या मैं इसको किसी और काम में यूज करूं या मैं इसको फैमिली में दे दूं या मैं इससे एफडी करा लूं, कुछ नहीं सोचते क्यों, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑप्शन ही एक अवेलेबल होता। तो ऑल्टरनेट यूजेस अगर नहीं होते किसी भी चीज के तो फिर वहां पर प्रॉब्लम ही नहीं होती, और प्रॉब्लम ही नहीं होती तो इकोनॉमिक्स ही नहीं होती। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि चीजें कम है और जरूरतें ज्यादा है, वो अल्टरनेटिव यूजेस हैं उन चीजों के, यूजेस नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है बेसिकली। गॉट इट? ओके ओके
अब स्टूडेंट्स इसके साथ साथ कुछ और देखिए, यहाँ पर आपको जो फॉर होम टू प्रोड्यूस के नीचे एक बॉक्स दे रखा है उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ये प्रॉब्लम एड ऑन प्रॉब्लम्स है। देखो मेजर प्रॉब्लम्स की जब बात की जाएगी तो वही होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन इसके साथ कुछ एड ऑन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात की करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, जैसे इंडिया, इंडिया इज ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड, मतलब डेवलपिंग हम कह सकते हैं, तो अभी इसको अंडर डेवलप्ड की कंडीशन ही मानी जाएगी क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसी कंट्रीज में दो एडिशनल प्रॉब्लम्स की और बात की गई है। वो दो एडिशनल प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए चॉइस करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने आपको बताया आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास फोर चॉइस, फोर ऑप्शन है। अब वो आपकी मर्जी है, आपने उसको कहीं पर भी स्पेंड कर दिया, वेदर ऑन द बुक और इन द स्कूल और विद फ्रेंड्स एंड एनीवेयर। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि वो जहां पर आपने इसको स्पेंड किया है क्या आपको वहां से फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके रिसोर्सेस का? आप क्या सोचकर फीस पहले भरते हैं और पार्टीज बाद में करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि spending on education is more better utilization of your resources rather than spending it with your friends. तो यहाँ पर एक और problem जो ये economy की है वो यही है, earnings इतनी कम नहीं है पर problem क्या है कि हम लोग उसको utilization नहीं करना जानते। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको सही जगह पर यूटिलाइज अगर कर लेंगे तो शायद हम ऑटोमेटिकली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो पहली प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपनी सारी रिसोर्सेज को पूरी तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे यूज किया जाए। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो कैसे उनको फुलर यूटिलाइज कर आप उसकी ग्रोथ कर सकते हो। अब मैं इसमें फिर एजुकेशन के एग्जांपल लेती हूँ। राइट नाउ यू ऑल आर स्पेंडिंग ऑन योर स्टडीज, हर कोई अपनी स्टडीज के लिए कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है, स्कूल में देते हैं, कोचिंग्स की फीसेस देते हैं, यू आर स्पेंडिंग, बुक्स लेते हैं, यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्यों स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये फुलर यूटिलाइजेशन है और ये फुलर यूटिलाइजेशन फ्यूचर में आपकी रिसोर्सेस की ग्रोथ करेगा। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपके पेरेंट्स 50,000 अर्न कर रहे हैं तो आप अगर यहाँ पर उन 50,000 को सही जगह पर लगा रहे हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उससे आप फ्यूचर में उस 50,000 को 1,00,000 में कन्वर्ट करके, 1.5 लाख में, 1,50,000 में कन्वर्ट करके उनको रिटर्न करेंगे। बेसिकली मतलब इससे आप ग्रोथ करेंगे रिसोर्सेज का। अब कुछ यूजेस ऐसे होते हैं, आप गए आपने पार्टी में 100 रुपीज स्पेंड कर दिए, क्या उससे आपकी रिसोर्सेज ग्रोथ हो रही है? क्या उससे आपकी रिसोर्सेज बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हमें ये दो प्रॉब्लम्स को और जस्टिफाई करना होता है। एक कि हम रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना करें, दूसरा उसको ऐसे यूटिलाइज करें कि उससे फ्यूचर में हमें ग्रोथ मिल सके, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट हो सके। तो इस तरीके से ये दो एड ऑन प्रॉब्लम्स और हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आता है तो तीन चीजें लिखनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। एड ऑन पूछा जाए तो ये दो प्रॉब्लम्स लिखोगे। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने बताया कंज्यूमर कैपिटल गुड्स, हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिच और पुअर। इस तरीके से आपका ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस टुमॉरो, यहाँ तक कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन आस्क। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 डेज आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर एज वेल। No doubts, any of you? Ma'am? Yes, beta? Ma'am, जो numerical में numerical के questions हैं, वो भी MCQs के form में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। Moreover, देखो आपको time sufficient मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार आपको questions कम थे तो टाइम उसके अकॉर्डिंग दिया गया था, इस बार आपको टाइम उसके अकॉर्डिंग मिलेगा जितने क्वेश्चंस होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स में देखिए, जो मैंने चैप्टर इसीलिए मेन जो है वो हटा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेकेंड टर्म जब तक हम लेंगे तब तक आपका स्कूल ऑब्वियसली ओपन हो ही जाएगा। तो मैं जितना न्यूमेरिकल पोर्शन है मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उसको मैं सेकेंड टर्म में लूँ, बट स्टिल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने जैसे अभी टेस्ट दिया हो तो उसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है? तो उस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है दैट कैन बी फ्रेम्ड इन वन इन टू मार्क्स एमसीक्यूज। मैम? यस बेटा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका मैम सब प्रोजेक्ट का टॉपिक और मैम कंटेंट आई विल सेंड जो भी मैम कंटेंट भी स्टूडेंट को।
बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स का रह गया उनके लिए मैं टॉपिक और कंटेंट भेज दूंगी जो न्यू एडमिशन। मैम आपको कॉल किस टाइम करना है? काव्या यू कैन कॉल मी आफ्टर आफ्टर 1:00 ओके मैम, 1 से 3 के बीच में आप मुझे कभी भी कॉल करना। मैम आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा 4 चैप्टर तक बताया, 5 चैप्टर तक सॉरी, तो हमें ना वहीं तक करें ना काम कि मेन मीडियम मोड भी करना है, क्योंकि मोड मैं भी करेक्शन नहीं करूंगी उसका, मैं सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग ही देखूंगी, बट मैंने कंप्लीट करा दिया, आप करके रखो तो ज्यादा बेटर है। मीन तो हो गया, मीन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप मेन फोकस ये करिए कि 6 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके जो मेन चैप्टर्स जो अभी आ रहे हैं इतना वर्क कंप्लीट होना चाहिए। आई विल आस्क यू विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक क्या आप कॉपीज को स्कूल में सबमिट कराएंगे? मैं आपको नहीं बता दूं, करेक्शन होंगी, तो करेक्शन होंगी कॉपी? बिल्कुल क्यों नहीं होंगी करेक्शन बेटा, जैसे स्कूल में और यूजुअली होता है वैसे ही होगा करेक्शन, बट आपको बस आपको कॉपी सबमिट करवानी है स्कूल में, वो डेट मैं आपको बता दूंगी कि आप कब, अभी पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो आप बताएं मैम, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे सब्जेक्टिव? क्वेश्चन पेपर यस मैम, सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव ओनली, इट विल नॉट बी सब्जेक्टिव। मैम ओके मैम, ओके मैम, यस मैम, जो मैंने मैम कॉपी बनाई है मैम, वो अपने ओल्ड स्कूल की कॉपियां थी मेरे पास मैम, मैंने वही वाली बना दी, तो मैम उसको कवर आउट करके दूं? बेटा आपने पुराने स्कूल की क्यों बनाई, आपने एनडीओस की क्यों नहीं ली? मैम मेरे पास तो मैम वही रखी हुई नहीं। चलो ठीक है, अब उसको प्रॉपरली कवर अप कर देना। ओके मैम, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना स्कूल की कॉपीज ही बनेंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके। Any other doubt, students? No, ma'am. Okay, so I think I should end the class. साथ साथ में जितना मैं revision कराती जा रही हूँ उसको आप घर पे revise करते जाइए। कोई भी doubt होता है you can ask me. Have a good day, students.